तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2970 पदों की भर्ती यहाँ निकाली गई है, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर जो बीएड कैंडिडेट हैं, विषय रखा गया इसमें कि हम बीएड छात्रों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन तथा धरना प्रदर्शन देने हेतु सूचना देने के संबंध में, तो ये देखते हैं। और इन्होंने जो है बताया गया है कि सभी जो बीएड छात्र हैं, इन्होंने एनसीटी के राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर अपनी बीएड की डिग्री हासिल की है, और उक्त राजपत्र में हमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के योग्य माना गया था, लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त राजपत्र को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, आपका जो एमएचआरडी वाला है, तो वर्तमान शिक्षा मंत्रालय आपका कहते हैं, उसके द्वारा जो आदेश स्थित मांगकर असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का फैसला दिया था। इससे करोड़ों की संख्या में बीएड छात्रों के शिक्षक बनने के सपनों पर जो है कुठाराघात हुआ, तथा लाखों की संख्या में बीएड छात्र जिनका विषय संयोजन नहीं बनता, उनकी डिग्री बर्बाद हो गई। तो देखते हैं, कई लोगों की डिग्री बर्बाद होगी ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एनसीटी फिर से जो है नया राजपत्र बनाकर बीएड छात्रों को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक बनाने हेतु योग्य प्रदान करें, इस संदर्भ में अपनी मांग का जो है ज्ञापन सौंपने के लिए 10 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे लगभग 150 की संख्या में शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक रूप से ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने से संबंधित सूचना देना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इनका प्रदर्शन को लेकर इनके द्वारा अनुमोदन करने की बात करी गई है, ताकि यहाँ पर इनकी अनुमति मिल सके धरना देने और ज्ञापन देने को लेकर। और 10 जुलाई का इनका यहाँ पर 10 बजे से 1:30 बजे क्या जो है होने वाला है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा, और ताकि बीएड को जो है फिर से सम्मिलित कर दिया जाए प्राइमरी लेवल में, ऐसा इनका कहना है।